नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धारा जी एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन के लिए जो लगातार स्पेशल क्लासेस हैं वो आपके लिए लाई जा रही हैं, और इसी संदर्भ में हमने भी बाल मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है वो प्रारंभ किया था, और खेल शिक्षा और योग ये पार्ट भी हमने स्टार्ट किया था। इसी पार्ट में है आपका हॉस्टल मैनेजमेंट, इस टॉपिक को भी आज हम कवर करेंगे। जो बच्चे CGPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है जो उनके लिए लाभदायक हो सकती है। धारा जीएस के द्वारा एक टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस की जो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए लाई गई है, जिसका नाम है मार्गदर्शिका। एक यूनिक कार्य इसमें किया गया है धारा जीएस के द्वारा, जिसमें आपको टेस्ट के पहले जो गाइडेंस वीडियो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी एक खासियत है जिसमें वे छात्र जिन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो CGPSC के द्वारा पूछे जाते हैं, किस प्रकार की तैयारी उनको रखनी चाहिए, और स्वयं का आकलन करने का जो बेहतर तरीका है टेस्ट सीरीज उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको हर एक टेस्ट के पहले गाइडेंस वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा कि किसी विषय को किस प्रकार से पढ़ना है, कितना वेटेज देना है किसी टॉपिक को, और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको छोड़ा जा सकता है। ये सभी जानकारी आपको गाइडेंस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, जो एक हफ्ते पहले प्रोवाइड की कर दी जाएगी, ताकि आप अपना जो तैयारी है वो एक हफ्ते तक कर पाएं। यहाँ पे बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज की सुविधा है, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही छात्रों के लिए जो टेस्ट पेपर हैं वो तैयार किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखा गया है कि एक छात्र जो टेस्ट देता है उसको अपने टेस्ट पेपर यानी रिजल्ट की है ना, टेस्ट पेपर की जानकारी चाहिए रहती है, रिजल्ट की जानकारी चाहिए रहती है। तो प्रीलिम्स में अगले 3 दिनों के भीतर जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और मेंस में अगले 7 दिनों के भीतर जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें प्रॉपर एक रैंकिंग है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि हम बात करते हैं जो छात्र प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो प्राप्त करना चाहते हैं विथ गाइडेंस वीडियो, तो वो केवल और केवल 4,000 रुपीज़ में इसको प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 78 टेस्ट हैं, जिसमें से 37 टेस्ट जो है वो प्रीलिम्स के हैं, जबकि 41 टेस्ट जो है वो मेंस के हैं। 3 चरणों में ये जो टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा प्रीलिम्स का, है ना, और किया जा रहा है प्रीलिम्स का, जिसमें 3 चरणों में उसको शामिल किया गया था। बात करें वो छात्र जो जिन्हें लगता है कि वो सिर्फ गाइडेंस वीडियो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें लगता है कि वो एग्जाम दे चुके हैं और उन्हें पूरा एनालिसिस पता है कि कैसे करना रहता है, तो केवल यदि टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो केवल और केवल 3,200 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र मेंस का टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है, लेकिन उनको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है किस पे, मेंस के लिए, तो वो मेंस का टेस्ट सीरीज विद गाइडेंस वीडियो केवल और केवल 3,200 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे छात्र जो केवल मेंस का टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो 2,500 रुपीज़ में इससे प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अपनी सुविधा के अनुसार यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं हॉस्टल मैनेजमेंट यानी छात्रावास प्रबंधन की। तो यहाँ पे छात्रावास प्रबंधन आपका टॉपिक है, तो सबसे पहले तो यही आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको पता हो कि छात्रावास से मतलब क्या है। यहाँ पे क्या हर एक हॉस्टल जो आपने देख रखा है, सुन रखा है, क्या वो सभी शामिल है? नहीं। तो आदिम जाति विभाग के द्वारा संचालित, आदिम जाति विभाग के द्वारा संचालित वे हॉस्टल जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के छात्रों, कैसे छात्र, तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, इन छात्रों के लिए यदि हॉस्टल की व्यवस्था की गई है तो यहाँ पे हॉस्टल से आसे उन हॉस्टल्स से हैं ध्यान रखेंगे। और ये भी बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 11th और 12th यानी पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनके लिए कितने परसेंट जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी जाती है, इनमें भी ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो किसको दिया जाता है, तो याद रखेंगे 50%। और जो प्री मैट्रिक के जो छात्र हैं उनको तो एडमिशन दिया जाता है, लेकिन यदि वहाँ पे सीट्स बच जाती हैं तो 6th और 8th के जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है। दूसरा यदि हम लें कि यहाँ पे छात्रावास से क्या आशय है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो इम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे हैं उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए जो बनाए गए हॉस्टल्स हैं उससे भी आशय छात्रावास से है ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा आदिम जाति विभाग के द्वारा यदि कोई स्पेशल स्कूल, विशिष्ट शाला, आश्रम यदि संचालित की जा रही है ना, यदि वो कोई आश्रम संचालित करता है, कोई शाला संचालित करता है और उसके संचालन के लिए जो छात्रावास है वो बनाया गया है, उससे संबंधित जो छात्रावास बनाया गया है उससे भी आशय इसी छात्रावास से है। मतलब आपकी नियुक्ति एक हॉस्टल वार्डन के रूप में, एक छात्रावास अधीक्षक के रूप में इन जगहों पर हो सकती है। ठीक है, एक छात्रावास एक हॉस्टल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो एक बच्चा जिसके घर के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है और यदि वो इस वर्ग से आता है, है ना, कितने किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के दायरे में यदि स्कूल नहीं है और यदि वो इस वर्ग से आता है तो वो छात्रावास की डिमांड कर सकता है। मतलब वो इसके लिए एलिजिबल है, इस वर्ग से होना चाहिए और उसके घर के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे पे स्कूल नहीं होना चाहिए। यदि हम इसी चीज को कॉलेज में यानी महाविद्यालय पे लेवल पे बात करें तो कॉलेज स्तर पे बात करने पे आपको समझ में आता है कि वे छात्र जिनके घर के आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं है वो भी छात्रावास की मांग कर सकते हैं यानी एलिजिबल हैं, और वे छात्राएं जो इस वर्ग से आती हैं और उनके घर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कॉलेज नहीं है तो बिल्कुल वो भी एलिजिबल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रोसेस होता है वो बहुत सामान्य प्रोसेस होता है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं और इस आवेदन में कुछ बातों को ध्यान रखना रहता है। चलिए तो उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले जो छात्रावास प्रवेश समिति है उसका गठन किया जाता है। छात्रावास प्रवेश समिति, छात्रावास में डिसीजन लेने के लिए हॉस्टल एंट्री कमिटीज यानी छात्रावास प्रवेश समिति जो है उसका गठन किया जाता है। अब ये जो छात्रावास प्रवेश समिति का गठन किया गया है वो दो स्तर पे किया गया है। पहला आदिवासी बच्चों के लिए, आदिवासी विकास खंडों के लिए, आदिवासी विकास खंड के लिए और सामान्य खंड के लिए। मतलब ऐसे छात्रावास जो आदिवासी विकास खंड से बाहर हैं तो वो कहलाएंगे आपके सामान्य विकास खंड। यहाँ पे सामान्य विकास खंड से क्या है, तो ऐसे विकास खंड जो आदिवासी विकास खंड से बाहर है। चलिए आगे, अब इसमें आपसे जो संरचना है वो पूछी जा सकती है। आदिवासी विकास खंड में जो प्रवेश समिति होगी, छात्रावास प्रवेश समिति होगी, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से सदस्य हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, जो अध्यक्ष हैं वो यदि वो आदिवासी विकास खंड है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जनपद पंचायत होगा, और वहाँ पे जो जनपद पंचायत होगा वहाँ ऑब्वियस सी बात है शिक्षा समिति होगी, और उस शिक्षा समिति में एक अध्यक्ष होगा। तो वो जो अध्यक्ष होगा वो यहाँ पे छात्रावास प्रवेश समिति आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले अध्यक्ष पद का पद पर बैठेगा। इसके अलावा सदस्य पर बात करें तो सदस्य में उस जनपद के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे उच्च माध्यमिक जो शाला होंगे, उच्च माध्यमिक जो शाला होंगे उस शाला में बहुत सारे स्कूल से, तो उसमें जो सबसे सीनियर प्राचार्य होंगे, है ना, जो सबसे वरिष्ठतम प्राचार्य होंगे वो क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ जो विधायक होंगे इस क्षेत्र के, वो विधायक एक अपने प्रतिनिधि को भी इसमें रखेंगे सदस्य के तौर पे इस छात्रावास प्रवेश समिति के। और एक याद रखना, आपको याद रखना है, मतलब जनपद शिक्षा अधिकारी, जनपद शिक्षा अधिकारी ये भी क्या होंगे, तो ये भी सदस्य के रूप में रहेंगे और इन्हीं सदस्य को ही सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो सदस्य सचिव कौन है, तो याद रखना बिल्कुल आपके जनपद शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अध्यक्ष के पद पे कौन रहेगा, तो याद रखेंगे कलेक्टर या स्वयं कलेक्टर हो सकते हैं या उनके द्वारा कोई नॉमिनेट पर्सन यानी कलेक्टर के द्वारा कोई नामित व्यक्ति जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष के पद में रहेंगे। किसमें, तो जो सामान्य विकास खंड होंगे वहाँ पे। ठीक है, सदस्य पे बात करें तो सदस्य में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो सदस्य के रूप में जो नियुक्त होंगे उसमें सबसे पहले याद रखेंगे कौन, तो कलेक्टर क्या करेंगे, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो विधायक हैं, एक एक विधायक
उनके प्रतिनिधि को यहां नियुक्त करेंगे, उनके प्रतिनिधि को यहां नियुक्त करेंगे। जिला लेवल पे जो शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला लेवल के जो शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको यहां पे क्या किया जाएगा, रखा जाएगा सदस्य के तौर पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त होंगे वो क्या होंगे, सहायक आयुक्त होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे, सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो जिला पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा वो जिला पंचायत के जो शिक्षा समिति के, शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो यहाँ सदस्य के रूप में रहेंगे। तो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं किया जाएगा, कीजिएगा, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे जनपद का जो शिक्षा समिति का अध्यक्ष है वो यहाँ अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पे जो जिला पंचायत के शिक्षा समिति का अध्यक्ष है वो क्या है, सदस्य है, जबकि अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर के द्वारा नामित व्यक्ति है। तो ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको छात्रावास प्रवेश समिति के बारे में, विकासखंड, आदिवासी विकासखंड और सामान्य विकासखंड में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलिए ये प्रश्न हमने देख लिया, आगे चलते हैं। छात्रावास में कौन सी श्रेणी है जो अभी हमारे सामने, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए है, लेकिन तृतीय लिंग के लिए यानी थर्ड जेंडर के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध अभी तक नहीं कराई गई है। चलिए आगे चलते हैं। छात्रावास में, हाँ ध्यान रखेंगे, जो छात्रावास बनाई जा रही है जिस वर्ग के संदर्भ में बनाई जा रही है उसको डेडिकेट की जा रही है, वहाँ पे 90% सीट्स जो होंगी वो उसके लिए रिजर्व रहेंगे। जैसे हम बात करें कि यदि कोई छात्रावास अनुसूचित वर्ग के लिए बनाई गई है तो 90% सीट्स जो हैं वो अनुसूचित वर्ग के लिए रहेंगी, लेकिन जो 10% सीट्स हैं उसमें SC वर्ग, OBC वर्ग और जनरल यानी सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग के कैसे बच्चे हैं, तो दिव्यांग और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से रखी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कितने परसेंट सीट्स जो रिजर्व रहेंगे, तो 90% सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगे। सामान्य विकासखंड, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, सामान्य विकासखंड जो है वहाँ पे जो छात्रावास के लिए जो प्रवेश समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमने देखा जो कलेक्टर के द्वारा जो नामित व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे अध्यक्ष के पद पे बैठते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यही क्वेश्चन में हम ये कर दें कि आदिवासी विकासखंड कर दें तो वहाँ पे फिर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे जनपद पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष क्या हो जाएंगे, वहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे आदिवासी विकास खंड में। ये क्वेश्चन भी हमने देखा, छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए निवास स्थान से कितने किलोमीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान ना होने का प्रमाण जारी किया जाना पड़ता है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा इसका जो भौतिक सत्यापन है वो किया जाता है कि मेरे घर के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मुझे छात्रावास प्रदान किया जाए। लेकिन यही क्वेश्चन हम क्या करें महाविद्यालय के संदर्भ में देखें यानी कॉलेज के संदर्भ में देखें तो छात्रों के लिए 8 किलोमीटर जबकि छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर का किया गया। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे महाविद्यालय यानी कॉलेज है ना, और कितने किलोमीटर होना चाहिए, छात्र बोला गया है ना कि छात्रा, तो छात्र के लिए 8 किलोमीटर है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में चेंज कर देता और कर देता छात्रा कर देता तो आपको आंसर क्या लेना रहता, 5 किलोमीटर। तो एक एक छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा और इन चीजों को कवर करते ही आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रवेश के लिए भी एक सामान्य सी विधि बताई गई है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सादे आवेदन पर देना है, आपका आवेदन एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। सहायक आयुक्त जो है, सहायक आयुक्त आदिम विभाग, हमने देखा सहायक आयुक्त आदिम विभाग जो सामान्य के क्या होते हैं, सामान्य विकास खंड के सचिव होते हैं, तो ये लास्ट डेट जो है यही डिसाइड करते हैं। क्लियर है। आवेदन की प्रतिलिपि
आपको यदि एडमिशन मिल गया तो उसमें आपको एक महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, एक महीने के भीतर किसी भी शिक्षण संस्थान में, क्योंकि आप पढ़ने गए हो तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है आप ले लोगे। यदि आप स्कूल में लेना चाहते हैं तो स्कूल में, आप कॉलेज में लेना चाहते हैं तो कॉलेज में। अब शिक्षण संस्थाएं कैसी भी हो सकती है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अशासकीय यानी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हो, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ सकते हो, बस वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसा शिक्षण संस्थान जो शासकीय अशासकीय, लेकिन अशासकीय कैसा, मान्यता प्राप्त हो, दोनों में ही आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व कर दी गई है, ठीक है, लेकिन जो बचे हुए 50% है उसमें प्री मैट्रिक और 6th-8th क्लास के बच्चों को भी जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा। कुछ ऐसे कंडीशंस बताए गए हैं कि जिसके संदर्भ में बच्चों का निष्कासन किया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सी कंडीशन है। पहला, 75% का यदि अटेंडेंस नहीं है, उसकी उनकी उपस्थिति 75% नहीं है, चाहे छात्रावास में है चाहे जिस शिक्षण संस्थान में वो जा रहे हैं वहाँ पर भी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। दूसरा, यदि वो अगले साल के लिए जब अप्लाई करते हैं और यदि वो फेल हो चुके हैं तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा, उनका आचरण अच्छा नहीं है, उनका आचरण यदि अच्छा नहीं है तो भी उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये निष्कासन के कुछ रीजंस बताए गए हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कि निष्कासन का आधार क्या होना चाहिए। तो पहला, एक माह के भीतर यदि वो शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं लिया, एक माह के भीतर उसको शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं लिया तो निकाल दिया जाएगा। और यदि वो शाला में उपस्थित नहीं रहता है ना, छात्रावास में निवास नहीं करता है नियमित रूप से, यदि आप एडमिशन लिए हो कहाँ पे, हॉस्टल में, और यदि आप हॉस्टल में रह ही नहीं रहे हो तो भी आपको निकाल सकते हैं। अन्य छात्रों के लिए वो आपत्तिजनक कार्य करता है और उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो सभी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ बातें ध्यान रखेंगे, उसको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जिस छात्रवृत्ति का प्रयोग वो अपने मेस के खाने के लिए करता है ना, जहाँ पर उसको नीचे खाना प्रोवाइड किया जाएगा, भोजन प्रोवाइड किया जाएगा उसके मेस में, लेकिन अपने स्कॉलरशिप का वो यूज़ करेगा। ये भी बताया गया है कि कौन सा ऐसा हॉस्टल में प्रयोग होने वाले वस्तु हैं जिसको परिवर्तित करने का ईयर भी बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे चादर और जो पिलो का कवर होता है, तकिया का जो कवर होता है, इसको कवर है ना, कवर, तकिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, कवर, उसको हर एक वर्ष में चेंज कर दिया जाएगा। चादर हर साल चेंज किया जाएगा और जो तकिया का कवर है, लेकिन जो कंबल है प्लस जो तकिया है वो 3 वर्ष में चेंज किया जाएगा। कितने वर्ष में, तो ध्यान रखेंगे 3 वर्ष में। इसके अलावा जो गद्दे हैं, थाली, ग्लास, कटोरी यानी बर्तन वाले जो वस्तुएं हैं, ये सब 5 वर्ष में, कितने साल में, 5 वर्ष में क्या किए जाएंगे, बदले जाएंगे, ठीक है, थोड़े लंबे चलते हैं। इसके अलावा लकड़ी से संबंधित जो यदि मेज दिया गया है, यदि आपको पलंग दिया गया है, तो ये सबको बदलने का जो वर्ष है वो 7 वर्ष है। तो इस प्रकार से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस से भी बन जाता है। तकिया, कवर और चादर तो हर साल चेंज किया जा सकता है, लेकिन कंबल, तकिया थोड़े लंबे समय तक चल जाते हैं तो 3 वर्ष, और गद्दे, थाली ये थोड़े और लंबे चलते हैं तो 5 वर्ष, और मेज और पलंग ये थोड़े और लंबे चलते हैं, अलमारी यदि दी गई है तो वो 7 वर्ष तक चल सकते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो हमने बात किया अभी, चादर तकिया बिल्कुल चलेंगे 1 साल तक, ठीक है, ये सही है, तकिया और कंबल 3 साल तक बिल्कुल चलेगा, गद्दे जो हैं वो 5 साल तक दिया गया था लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 साल है, जबकि थाली, ग्लास, कटोरी बिल्कुल 5 साल है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट नहीं है, 5 साल होना था। चलिए आगे चलते हैं, छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए आकस्मिक अवकाश है वो भी तय किया गया है कि यदि सडनली कुछ रीजन हो जाता है तो कितने दिनों का अवकाश वो ले सकते हैं, तो 10 दिनों का जो अवकाश है वो आकस्मिक रूप से है ना लिया जा सकता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप ये बताएं कि यदि बच्चे की तबीयत खराब है तो उसको जो
अस्वास्थ्य अवकाश जो है वो कितने दिनों का प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।